నియోజకవర్గం ఓల్డ్ బైన్పల్లి ప్రాంతంలో ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మిర్చిల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అమ్జద్ ఖాన్ మరియు ఇస్రార్ అలీ ఆధ్వర్యంలో దాతలు నవాబ్ బక్తియార్ ఖాన్ మరియు నవాబ్ ఫైజ్ ఖాన్ గారి సహాయంతో ఈరోజు పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు. అదేవిధంగా అమ్జద్ ఖాన్ గారు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ వలన ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను చూడలేక నవాబ్ బక్తియార్ ఖాన్ గారు మరియు ఫైజ్ ఖాన్ గారు ఇప్పటి వరకు 1300 మందికి సహాయం చేశారు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ రోజు ఫోటోలో కానీ పేపర్లో కానీ కనబడలేదు. ఈరోజు చిన్నపాటి సహాయం చేసి ఫేస్బుక్లో పెడుతున్న ఈ రోజుల్లో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సహాయం చేసి కూడా ఎక్కడా ప్రచారం చేయలేదు. సేవే వారి లక్ష్యం. ఇలాంటి మనసున్న వ్యక్తులకు మన సమాజం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. बताना चाह रहा था कि हमारा ये शुरू से ही रहा है कि जिसको पहुंचाते हैं हम उनकी तस्वीर कभी नहीं लेते हैं, और ये समझिए आप ये बिल्कुल एक जब एक हाथ से देते हैं जो खुदा का वो है जिससे हाथ पता नहीं चलना चाहिए, हम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं. पर क्योंकि आप लोग ह्यूमन राइट्स कमेटी से आए हैं, कमीशन से आए हैं, तो वो हिसाब से समझिए हम आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं. पर हमारा तो ये है कि जो तस्वीर भी आए हैं, जो पेपर भी नोटिफिकेशन हमारे आए हैं और जो हम बांट चुके हैं, उसमें कभी हम जिस किसको पहुंचा रहे हैं समझिए आप वो नहीं, जो जिसको दे रहे हैं शायद कल भी हम ज़रूरतमंद होए, सब ज़रूरतमंद हो सकते हैं कल. और ये समझिए हमारा फ़राइज़ जो हमें अंजाम दे रहे हैं, देने की कोई बड़ी बात नहीं है. जो हमारा फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं, वो हमारा फ़राइज़ है, हम कोई किसी के फेवर नहीं कर रहे हैं. शुक्रिया. मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से डिप्टी प्रेसिडेंट मोहम्मद अमजद खान बोल रहा हूँ. मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर बेगमपेट मस्जिद कमेटी की तरफ से नवाब बख्तियार खान साहब, नवाब हुमायूं साहब और नवाब फैज खान साहब की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम अंजाम दिया जा रहा है काफ़ी दिनों से. और मुझे यहाँ पर आके एक बात की ये खुशी हुई कि साहब लोग जो तकसीम कर रहे हैं वो कभी ना किसी पेपर में अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ना किसी मीडिया को बुलाकर कभी अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और डोर टू डोर जाकर ये पहुँचा रहे हैं और ना किसी की फ़ोटो ले रहे हैं. ऐसा तो आप देख रहे होंगे कई सोशल मीडिया पे आ रहा है, कोई MLA MP काउंसलर जो भी बड़ा आदमी है एक पैकेट अगर बिस्किट का पैकेट भी देता है तो आगे वाले की फ़ोटो लेकर देता है. ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मजबूरी का मजाक बनाया जा रहा है गरीबों का. अगर हमें मदद करना है तो ऐसा करें जैसा नवाब बख्तियार खान साहब और मस्जिद कमेटी कर रही है, मेरे फोर्स करने पर मीडिया को बुलाकर ये एक इंटरव्यू दिया जा रहा है, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी नवाब साहब को. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नवाब साहब लोगों का. ये मस्जिद का नाम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नवाब साहब लोगों का जो एक इतना अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं. मैं शुक्रिया करता हूँ नवाब साहब का. इस्लाम की तरफ से मेरा अमजद साहब जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, और इसरार साहब जो कि यहाँ के जो है दिनों से भी है, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है गरीब फैमिलीज़ को यहाँ पर सपोर्ट किया है. और मैं बाकी की ऑर्गेनाइजेशन से यही कहना चाहता हूँ, NGOs है, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आए स्लम में जो है क्या हाल है गरीबों का, उनकी जो है आगे बढ़कर जो है उनकी मदद करें. और इसके साथ साथ मैं जो है ओल्ड गोइनपल्ली पुलिस की जो है पुलिस स्टेशन के SHO का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है हमें, और उन्होंने जो है ना यहाँ पर जो है सारे माइग्रेंट्स जितने भी थे इमिग्रेंट्स का जो है उनको जो है आगे बढ़ के जो है यहाँ पर आके जो है अपना राशन से मुस्तफ़ी होने के लिए जो है मौका दिया है. शुक्रिया. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.